हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अभी अभी माँ बनी हैं तो बच्चे को नहलाने की ट्रेनिंग में आप सबसे पीछे होंगी और शायद कच्ची खिलाड़ी होंगी। बच्चे को जब भी नहलाना चाहिए तो बहुत ज़्यादा एहतियात का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे के सर को सपोर्ट करना पड़ता है, पानी ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, इस चीज़ के बारे में देखना पड़ता है। हम अपने बच्चे की बॉडी पर कौन सा बेबी वॉश लगा रहे हैं ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर आप नई नई माँ बनी है तो आप इन सारी चीज़ों में काफ़ी कच्ची खिलाड़ी होंगी। आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान और नए तरीके जो आपके बच्चों को नहलाने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। टिप नंबर 1, अगर आपने अभी अभी किसी नवजात शिशु को जन्म दिया है तो उसे रोजाना नहलाने की बजाय गर्म पानी के अंदर एक सूती कपड़े को या फिर टॉवल को अच्छे तरीके से भिगोकर निचोड़िए और हल्के हाथों से बच्चे के शरीर को पोंछ दीजिए। ऐसा करने से आपका हाथ बच्चे के शरीर पर सेट हो जाएगा और नहलाने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। टिप नंबर 2, बच्चों को नहलाने के लिए हमेशा हल्के गुनगुने या फिर गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप जब भी बच्चे को नहला रहे हो तो पानी के अंदर हाथ डालकर जरूर देख लें कि पानी कितना गर्म है। ज्यादा गर्म होने की वजह से बच्चे के शरीर पर जलन भी हो सकती है। गर्म पानी से नहलाने की वजह से बच्चों के शरीर पर कीटाणुओं का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। टिप नंबर 3, बच्चे को नहलाने के लिए हमेशा माइल्ड बेबी सोप का ही इस्तेमाल करें। मार्केट के अंदर कई बेबी सोप ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। ऐसा करने की वजह से बच्चों के शरीर पर सोप की वजह से कोई भी रैशेस नहीं पड़ते हैं। टिप नंबर 4, साफ सफाई पर ध्यान देना नवजात शिशु के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन अगर आपने अभी अभी नवजात शिशु को जन्म दिया है और गर्मियों का मौसम है तो आपको अपने बच्चे को रोजाना नहलाने की जरूरत नहीं है। आप एक हफ्ते में बच्चे को 4 से 5 बार नहला सकते हैं। और यदि समय सर्दियों का है तो आप गर्म तौलिए से या फिर गर्म पानी के अंदर तौलिए को डिप करके और निचोड़ कर बच्चे के शरीर को पोंछ सकते हैं और हफ्ते में एक बार बच्चे को नहला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी किसी नवजात शिशु को जन्म दिया है और आपको सही तरीके नहीं पता है कि बच्चे को किस तरीके से नहलाना चाहिए तो मेरी ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।